먹고 미타이파. दादी दादी, आपको पता है अभी मैं जब घर आ रहा था तब रोड पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक अंकल गिर गए। अरे बाप रे, तो तूने क्या किया तब? मैंने एक्चुअली कुछ लोग वहाँ पे खड़े होके देख रहे थे, फिर मैंने सोचा उनको कोई ना कोई हेल्प कर ही देगा और मुझे घर भी आना था तो मैं घर चला आया। गटरू, ये तूने बहुत गलत किया। हाँ, मैंने क्या किया? तूने कुछ भी नहीं किया, वही तेरी गलती है। तू उनको हेल्प कर सकता था। सोच, अगर उनकी जगह तू होता और सब लोग यही सोच के निकल जाते कि कोई ना कोई हेल्प कर देगा तो तुझे वहाँ से घर आने में कौन मदद करता? हाँ, ये तो सही है, पर मैं क्या करता वहाँ? किसी की हेल्प करने के लिए जरूरी नहीं कि तुझे सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सिर्फ एक चीज जरूरी है, उनके दर्द को समझना और फील करना। तब तू किसी और के लिए वेट नहीं करेगा और तुझे अपने आप ही आइडियाज आएंगे कि हेल्प कैसे कर सकते हैं। पर ये सब करके क्या होगा? हाँ, ये सवाल सही पूछा। हम जब किसी को हेल्प करते हैं ना, तब उनको हैप्पीनेस देते हैं और उनकी स्माइल देख के हमें मैजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो जब तू किसी को हेल्प करेगा ना, तभी समझ में आएगा तुझे। ओ वाव, मतलब हैप्पीनेस डबल हो जाता है। अब मैं सबको हेल्प करूंगा, कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। ना कोमी टाइम पास।